हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटकास्ट ऑन वेब टेक जोन। आज हम सीखेंगे दोस्तों गूगल में फोटो अपलोड कैसे करें, चाहे वो आपका प्रोफाइल फोटो हो या आपके फ़ोन के फोटो गूगल में अपलोड कैसे करना है। दोस्तों ये 2020 है और आज आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे अपलोड करना है, कुछ ट्रिक एंड टिप्स भी बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से ये कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। तो हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों गूगल में पहले हम देखते हैं कि आपका गूगल अकाउंट में आपका फ़ोटो कैसे अपलोड करें, उसके बाद आपका प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करने के बाद अगर आपका कोई दूसरा डाउट रहेगा, चाहे जैसे कि आपका मोबाइल के फ़ोटो कैसे अपलोड करें, उसमें भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों गूगल अकाउंट जिसमें आपका प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका प्रोफाइल फ़ोटो आ गया, तो इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों ये छोटा सा कैमरा जैसा आ रहा है आपको, अगर ये नहीं दिख रहा है तो प्ले स्टोर में जाके आपका ये गूगल क्रोम अपडेट करके लीजिए तो ये आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करके आपके मोबाइल में से जो भी फ़ोटोज़ आपको लेने हैं आप ले सकते हो। मोबाइल के फोल्डर्स ओपन जब हो जाएंगे, अगर फोल्डर्स ओपन करने हैं पूरे तो इस पर क्लिक कीजिए। आपको अगर डिवाइस एंड्रॉयड है तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपके फ़ोटोज़ के डिवाइस फोल्डर ओपन हो जाएंगे। जो भी फोल्डर आपको करना है सिलेक्ट, उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हो, ये देखिए जैसे चाहे आपको ऊपर नीचे जैसे लेना है। ओके, कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, इसको दोस्तों कम ज़्यादा कीजिए अपने हिसाब से। और होने के बाद यहाँ से सेट प्रोफाइल कीजिए तो ये चेंज हो जाएगा। ओके, ये दोस्तों चेंज हो रहा है। ये तो हो गया दोस्तों अपने प्रोफाइल फ़ोटो का। अभी हम बात करते हैं कि आपके मोबाइल के फ़ोटो गूगल में कैसे अपलोड करें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे दोस्तों आपको गूगल के सब सर्विसेज दिखेंगी, चाहे वो यूट्यूब हो, जीमेल हो, मैप हो, असिस्टेंट हो, सर्च हो, मीट हो, कॉन्टैक्ट हो, ईमेल हो, जो भी है ये पूरे दोस्तों गूगल के ही सर्विसेज है जो आप एक ही ईमेल आईडी से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वही ईमेल आईडी लगता है। ओके, तो जीमेल के ईमेल आईडी से ये सर्विस आपको यूज़ करनी है। तो अभी हम देखते हैं कि फ़ोटोज़ कैसे अपलोड करें। अगर आपका फ़ोन अगर ख़राब हो जाए या गुम जाए या चोरी हो जाए या आपका मेमोरी ख़राब हो जाए तो वो फ़ोटो आपको फिर से आप ऑनलाइन कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए गूगल एक गूगल फ़ोटोज़ करके एक ऑप्शन देता है, इसका आप लोगों देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे आप अपने फ़ोटो अपलोड कर सकते हो और कभी भी उसको आप फ़ोटो देख सकते हो। तो दोस्तों इसका एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर में, वो उससे हम बात करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन आपके पास रहेगा गूगल अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, अभी इनबिल्ड आता है कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन में। तो यहाँ पर फ़ोटो डालिए, तो यहाँ पर देखिए आपका ऐसा गूगल फ़ोटो करके आ गया, आ जाएगा गूगल LLC कंपनी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपडेट कीजिए, अपडेट नहीं रहेगा। अगर इधर ओपन आ रहा है दोस्तों तो आपका अपडेटेड है। ओके, तो अभी जाते हैं हम लोग गूगल फ़ोटो में जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। ये देखिए ये गूगल फ़ोटोज़ है, ये दोस्तों दो फ़ोटो है, ये ऑनलाइन है मेरे, मतलब ये बैकअप हो चुके हैं। ये फ़ोटो मुझे कभी भी मिल जाएगा, जिस ईमेल आईडी से मैं लॉगिन किया हूँ वो ईमेल आईडी से मैं फिर से लॉगिन करूँगा। कोई भी डिवाइस में जाके, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो ऑनलाइन हो, गूगल फ़ोटो में जाना है, लॉगिन करना है, तो ये मेरे दो फ़ोटो मुझे दिख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है आपके अकाउंट में और यहाँ पे देखिए आपका ईमेल आईडी कौन सा है। याद रखिए दोस्तों यही ईमेल आईडी यूज़ करोगे जब आपका फ़ोटो आपको बैकअप लेना है। ओके, तो जाना है आपको फ़ोन सेटिंग में और यहाँ पर आपको जाना है बैकअप एंड सिंक्रोनाइज में, और यहाँ पे आपको ये ऑन करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी पूछेंगे, वो ईमेल आईडी चेक करना वही है कि नहीं, और ऑन करके आपको बैक आना है। तो आप देख सकते हो आपका ये बैकअप कंप्लीट हो गया, चालू हो गया। तो जब भी आप इस फ़ोन में कोई भी फ़ोटो क्लिक करोगे, कोई भी डाउनलोड करोगे, जो भी स्क्रीनशॉट लोगे, कोई भी वीडियो रहेगा, ये सब गूगल फ़ोटो में बैकअप हो जाएगा। और कभी भी भविष्य में आपका मोबाइल गिर गया, लॉस हो गया, आपका मेमोरी ख़राब हो गया, तो दूसरा मोबाइल लिया आपने तो उसमें इसी ईमेल आईडी से आपको गूगल फ़ोटो में लॉगिन करना है, या आप अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हो और वो फ़ोटोज़ आपको दिख जाएंगे या वीडियो आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। और भी कुछ अलग डाउट था जो सॉल्व नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसका 100% आंसर दे दूँगा आपको।
और जाने से पहले प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाए और वीडियो को लाइक ठोके। दोस्तों बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लेता यूट्यूब, इतने बड़े 5-6 मिनट वीडियो के लिए एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।